हेलो एवरीवन, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे और एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर एग्जांपल आपने कर लिए हो तो एक्सरसाइज करने में बहुत अच्छी तरह से आएगी आपको। नहीं किए तो कोई बात नहीं, तो आपको ये वाला समय पता होना चाहिए कि जैसे कि देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं तो हमें किससे मिलती है, किसी भी जो इक्वेशन दे रखी हो उसे dy/dx से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसके हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। और हमें जब इक्वेशन निकालते हैं, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो y-y0=mx-x0। m कहाँ से निकल के आएगी, जब हम किसी का डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब कि जो हमें दे रखा है, जैसे ये दे रखा है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो तो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। अब देखिए, अब कुछ कुछ क्वेश्चन हमें दे रखा होता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि हमें वहाँ m जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ध्यान से देखिए, ये आप याद कर लीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट वहाँ क्या होता है, m=0। ठीक है, अब देखिए, हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो तो y-y0-1/mx-x0। अब ये क्या होता है, नॉर्मल मतलब कि किसी भी कर्व पर जब परपेंडिकुलर डरता है तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल। अब देखिए, ज़्यादातर ये दे रखा होता है किसी क्वेश्चन में कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब कि वहाँ जो स्लोप होती है, मतलब किसकी, स्लोप ऑफ नॉर्मल। जैसे इक्वेशन है तो हम करें स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल की बात करेंगे तो वहाँ m=0 रहेगा जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब हम ये इसे ऐसे कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब ये कैसे हो गया, देखिए, ये अगर ये इसके साथ हुआ पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब कि m=0। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब किसी किसी में हमें क्या होता है, कोई पॉइंट देखे होते हैं, इससे हमें निकालनी पड़ती है स्लोप ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल। ज़्यादातर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, और जब नॉर्मल की बात आएगी तो हम यहाँ फॉर्मूला पुट कर देंगे m(m2)-1। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब कि मैंने आपको बताया था जब स्लोप निकालते हैं उसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो हमें क्वेश्चन दे रखी है dy/dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, जब 3x 4 की करेंगे, हम क्या करेंगे, 12x³ और 4x-4 किस पर निकालनी है, dy/dx एट x=4 पर। जब आप इसमें 4 वैल्यू पुट करेंगे, 4 की वैल्यू q-4, तो ये आपको मिलो 7, 6, 4 आपका आंसर आ जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर ये वाला 2 है। 2 में क्या पूछा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y=x-1/x-2 एट x=10 पर हमें, मतलब, स्लोप निकालनी है। तो इसे हम कर सकते हैं dy/dx=, जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए, ये u हो गया, ये v हो गया। अब हमें मालूम है u/v का डैश निकालते हैं, तो v डैश करते हैं, u डैश करेंगे तो ये वैल्यू बनाएगी, और v डैश का x-2 माइनस x-2 करेंगे तो 1.x-1। ठीक है, अब देखिए, ये क्या है, x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x-2 - x+1 एक्स से एक्स कट गया, और -1/x-2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या है, dy/dx की स्लोप कहाँ निकालनी है, x की वैल्यू पर 10 पर। इसमें 10 पुट कर दिए, -1/10-2 होल स्क्वायर -1/8 हो जाएगा 64, ये आपकी स्लोप आ गई। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर ये वाला 3 है। इसमें क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y=x³-x+1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। मतलब भाई, जब हम डिफ्रेंशिएट ही करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो x का कोऑर्डिनेट ही मिलेगा। तो लीजिए, इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy/dx करेंगे तो x³ हो जाएगा 3x², और x का हो जाएगा -1 और +1 का हो जाएगा 0। ठीक है, हमें किस पर करना है, dy/dx एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, 2। लीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दिए, 3×2² -1 12-1=11। मतलब कि हमारी इसमें क्या आ गई, स्लोप कितनी आ गई, 11 आ गई इस क्वेश्चन में। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एट इज बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की जगह। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये दे रखा है x³-3x+2 एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। यहाँ वैल्यू 3 दे रखी है। लीजिए, dy/dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x², 3x का हो जाएगा -3। अब वैल्यू किस पर पुट करनी है, dy/dx एक्स की वैल्यू
थ्री पे पुट करनी है तो थ्री का सौ कर दीजिए, थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री, 27 माइनस थ्री इक्वल टू 24। लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है, मतलब अगर टू द कर्व, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन क्यू थीटा, एक्स पाई बाई फोर। अब देखिए हमें पाई बाई फोर में निकालना है, तो पहले देखिए हम इसका करते हैं कि डी एक्स ओवर डी थीटा निकालेंगे इसका, क्योंकि डी वाई डी एक्स निकालेंगे हम, पर यहाँ क्या है एक्स के रेस्पेक्ट में थीटा कर रहे हैं हम लोग। देखिए थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये थ्री की वैल्यू आगे आ गई। अब कॉस थीटा करेंगे माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ डी वाई बाई डी थीटा करेंगे, थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा होता है कॉस थीटा। अब हम निकालने वाले हैं डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा, जो कि हमें क्या देगा, डी वाई बाई डी एक्स ही देगा। अब देखिए थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा। अब देखिए एक साइन से एक कॉस थीटा कट गया, साइन से साइन कट गया, थ्री से थ्री कट गया, हमें क्या वैल्यू मिली, ओवरऑल माइनस टेन थीटा मिल गई। अब देखिए हमें क्या है, स्लोप निकालनी है डी वाई वाई डी एक्स एट एक्स इक्व टू पाई बाई फोर, तो माइनस टेन पाई बाई फोर, मतलब टेन फोर्टी फाइव माइनस वन वैल्यू आ गई आपकी।